ध्यान कहाँ तेरा? नहीं मम्मी, मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में चलते हैं। कुंजन दीदी आपकी बेटी है ना, आपको भी तो खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी, तो सराय लेना जरूरी समझा ताकि तेरे दिल में कोई मलाल ना रह जाए। लेकिन अगर तेरे दिल में कोई भी बात है तो तू सच सच बता सकता है। हाँ। क्या तेरे मन में मलाल है? इसीलिए तब से तो पूछ रही हूँ तुझे, तू बोलता नहीं है, अब बोलता है। नहीं मम्मी, आपने जो भी कहा मेरे सर आंखों पर है। और कुंजन दीदी की शादी है तो शादी धूमधाम से होनी चाहिए। और रही बात मेरी, तो मुझे तो आप ही के साथ रहना है ना, भला मुझे क्या मलाल हो सकता है। पता था तू यही कहेगा, सो जा। क्या हरकत थी ये? तुझे पता है मम्मी को अगर पता चलता ना तो बवाल हो जाता घर में। क्या लगा तुझे मम्मी के डर से मैं तुझे हाँ बोल दूंगा, तुझसे मिलने आऊंगा? नहीं आने वाला हूं मैं, तू अभी के अभी जा यहां से। चुप। तेरी असलियत कब से पता है ना मुझे, लेकिन आज तक कभी आंटी जी के पास जाकर तेरी असलियत बताई? आज भी मैं आंटी जी के सामने नहीं आने वाला था, और ये बात तू अच्छे से जानती है ना? पर एक बात समझ नहीं आई मुझे, मेरे इतने से फोर्स करने पे, इतने से डराने पे तू प्रीत बनकर मुझसे मिलने आने के लिए तैयार हो गई, क्यों? बताए, मैं बताता हूं, क्योंकि तुझे प्रीत बनना पसंद है। प्रीत बनना, प्रीत बनकर मुझसे मिलना, क्योंकि तू जानती है मैं प्रीत को चाहता हूं, प्यार करता हूं उससे, और इसीलिए मुझसे पूछना बंद कर और खुद से पूछ कि तू असल में है कौन। दीदी ये तो सिमरन दीदी के कपड़े हैं ना। दीदी आप इसे लेकर यहां क्या हुआ दीदी? हाँ मनु, मुझे सिमरन दीदी की बहुत याद आ रही। तुझे पता है मनु, हल्दी की रस्म से पहले ना ये कलावा बांधने की रस्म होती है, जिसे ना मनु एक बहन बांधती है। मनु दीदी, एक बात पूछू तुझसे? हाँ पूछो ना दीदी। क्या तू राजवीर को पसंद करती है? तुझे क्या लगता है, तू कुछ नहीं बोलेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने देखा है
जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो ना, इस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, मुझे तेरी आंखों में नजर आता है कि तू उसे पसंद करती है। दीदी आप कुछ भी बेकार में सोचते हो। चुप कर मनु, देख सच सच बता, क्या ये बात सच है? क्या वो तुझे एक लड़की होने का एहसास दिलाता है? मम्मी, क्या हो रहा है? मम्मी, मैंने दिए थे मनु को सिमी दीदी के कपड़े पहनने को। वो ये कलावा बांधने की रस्म थी ना, इसलिए वो मनु की कोई गलती नहीं है। तू कुछ मत बोल, मुझे सब दिख रहा है, सब समझ रही हूँ मैं, जो कुछ भी हो रहा है। सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे लड़का बनाए हुए हूँ, क्योंकि मैं लालची हूँ। मुझे अपनी बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन तुझे दिखाई देता है क्योंकि तू इसकी बहन है। तुम आ गई सोनिया, मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। मेरी सोनियो, मेरी प्रीत जरूर आएगी मुझसे मिलने। आज आ गई और आज जी भर के देख ले, क्योंकि आज के बाद मनु कभी प्रीत नहीं बनेगी। आज के बाद प्रीत मर जाएगी हमेशा के लिए। तू पूछ रहा था ना राज, मैं क्या चाहती हूं? मैं मन्नू रही हूं और सिर्फ मन्नू ही बन के रहना चाहती हूं। मन्नू, मन्नू, बिना बताए कहां चला गया? गुंजन, गुंजन मनु को देखा? नहीं मम्मी। अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहाँ गया होगा? आप टेंशन मत लो मम्मी, वो बिना बताए कहाँ जाएगा, हो सकता है यहीं कहीं गया हो। वैसे आपने छत पे देखा, हो सकता है डेकोरेशन के लिए गया हो वहाँ पे। हाँ, छत पर नहीं देखा, मैं देख कर रहे थे। क्या करूँ, आप कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ? कहीं बाहर तो नहीं? मनु, तू कहाँ थी? मम्मी किससे तुझे ढूंढ रही है, जल्दी अंदर। अरे राज, तू यहाँ से क्यों आ रहा है? दरवाजे से आना। ओके, ठीक। मनु जल्दी कर कपड़े बदल। तू जा, तू जा, जल्दी जा, जा। जल्दी कर मन्नू। मन्नू कोई आ रहा है, जल्दी कर। सब तरफ देख लिया, ये स्टोर रूम भी देख लेती हूँ एक बार। कहाँ गया था? बाजार गया था। मुझे मन्नू पे ज्यादा शक हो रहा है या सच में कुछ गड़बड़ है?